हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आपने इसके पिछले एपिसोड में देखा, माइकल ने अपनी सैंड किंग कंपनी की एक कार, एसयूवी कहें तो काफ़ी भयंकर कार को एक बाय कर लिया था। वो काफ़ी गजब कार है। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो जल्दी जाइए और देखिए आप क्या कर रहे हैं। अगर आपने अब तक उसकी वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूँ, हमें काफ़ी खतरनाक टास्क मिला हुआ है। हमें यार प्राइम मिनिस्टर की कार को चुराना है। हाँ यार, काफ़ी ख़तरनाक टास्क है, और वो पूरी सिक्योरिटी है उसकी, ख़तरनाक सिक्योरिटी, और उसको हम चुराएंगे इस अपनी एसयूवी की मदद से, जो कि काफ़ी ख़तरनाक है। वो भी काफ़ी ख़तरनाक है भाई, यहाँ पर सब कुछ ख़तरनाक है, सब कुछ ख़तरनाक है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ आपको, माइकल ने एक और अपनी एक कार ले रखी थी, उससे 2-3 दिन पहले ही ली थी। ये भी काफ़ी बेहतरीन स्पोर्ट्स कार है एक, और भाई भागती जो है ना ये, इसका इंजन भाई, इंजन तो भाई क्या बताऊँ, गजब है इंजन। इंजन भाई V18 है मेरे ख्याल से, और भाई टर्बो इंजन है, सब कुछ अपग्रेडेड है, पूरी कस्टमाइज कार है। R35 नाम है इसका, R35 काफ़ी गजब कार है। ये भी काफ़ी कॉस्टली पड़ी है उसको, 1.5-2 करोड़ की पड़ी है इसको, माइकल को। तो सबसे पहले हमें प्राइम मिनिस्टर की कार को चुराने के लिए यार एमओ चाहिए होगा। एमओ तो है नहीं मेरे पास बिल्कुल भी, तो सबसे पहले एमओ लेने चलते हैं एमओ शॉप पर। कुछ भी नहीं, पिस्टल से कुछ नहीं होने वाला। एक काम करते हैं, ये वाली कार ले चलते हैं, वो वाली इतनी बड़ी साइज़ बहुत है, मुड़ने में दिक्कत करती है यार बहुत ज़्यादा, इस वजह से ये वाली कार ले चलते हैं। तो चलो। ओ भाई इतनी पावर है इसमें, देखा इंजन की आवाज़ यार काफ़ी ख़तरनाक आ रही है इसकी, बेहतरीन आवाज़ है भाई। तो चलते हैं हम शॉप पर। आप भी कमेंट सेक्शन में बताओ आपको इसकी इंजन की आवाज़ कैसी लगी। तो एमओ शॉप ये रही, पास वाले में चलते हैं, वो दूर है। तो चलते हैं स्पीड से। ओ भाई क्या गजब कार है ये। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा देखना, आपको मज़े मज़े आएंगे। ओ भाई क्या स्पीड है, खतरनाक स्पीड है भाई। भाई एक्सलरेशन भी बहुत ज़्यादा है इसका, एकदम से 2-3 सेकंड में ही। ओ अबे साले, ये रोड पे आ जाते हैं खतरनाक बंदे, तो भगाते रहते हैं सीधे लड़के, छोटे छोटे लड़के। ऐसा रोड पर कभी मत चलाना भाई साहब, सीधी भगा के निकाल दो। बस पहुँचने वाले, पहुँच गए भाई एमओ शॉप पर हम। भाई हमें यहाँ से एक स्नाइपर लेना होगा, और भी काफ़ी आर्मर वगैरह लेना होगा। सीक्रेट एजेंट द्वारा बताया जा रहा है कि वहाँ पर काफ़ी ही ज़्यादा सिक्योरिटी है, तो इसलिए हम यहाँ से सब कुछ गोला बारूद जितना भी है भर लेंगे। तो हाँ भाई, हमने सब कुछ भर लिया है यहाँ से, जितने भी एमओ हैं, रॉकेट लॉन्चर, स्नाइपर वगैरह सब कुछ ले लिया है। और अब हम चलते हैं घर पर, और फ़ोन पर हमारे वो मैसेज आ चुका है कि हमें कहां पर वो प्राइम मिनिस्टर की कार मिलने वाली है। तो वह मैं उसे घर पर जाकर देखूंगा, क्योंकि गाड़ी में फ़ोन चलाना सबसे ख़तरनाक भी हो सकता है। हाँ तो हम निकल चुके हैं दोस्तों, अब हम चल रहे हैं आगे काफ़ी स्पीड से अपनी स्पोर्ट्स कार को लेकर। R35 V12 इंजन, तो गाड़ी में ये हमने बाहर रखी फुल स्पीड से। ओ भाई साहब, देखा दोस्तों आपने कि गाड़ी में फ़ोन चलाने का नतीजा ये भी हो सकता है, इसलिए गाड़ी में फ़ोन कभी ना चलाएं, काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। तो चलते हैं फिर से, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है काफ़ी मज़बूत बनी हुई है, बुलेट प्रूफ भी है ये पूरी। तो हम चल रहे हैं बस, आगे पहुंचने ही वाले हैं घर पर, और हम पहुंच गए बस। ये हम पहुंच चुके हैं घर पर, बस यहाँ पर पार्क कर देनी है गाड़ी, और फिर हम चलते हैं अपने मिशन पर, जो कि काफ़ी ही खतरनाक मिशन होने वाला है आगे चलकर। हाँ तो चलते हैं, अब हम अपनी एसयूवी उठाते हैं जल्दी से। वैसे दिखने में तो यार काफ़ी ख़तरनाक दिखती है ये एसयूवी, इतनी बड़ी है, देखो मेरे हेड से ऊपर की है इसका बम्पर, आगे का देखो भाई, काफ़ी बड़ी एसयूवी है, ख़तरनाक भी, और पूरी बुलेट प्रूफ है ये, कुछ नहीं हो सकता इसका, ये मान लो तुम। तो सीक्रेट एजेंट ने बताया है कि फ़ोन पे इधर कहीं है वो गाड़ी, आपको यहाँ कहीं मिलेगी, यहाँ पे उसने बताई है सीक्रेट एजेंट ने कि यहाँ पर आपको गाड़ी मिल जाएगी।
तो भाई देर किस बात की है, चलते हैं अपनी एसयूवी को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं भाई। शुरू शुरू में काफ़ी डर लग रहा है मेरे को यार, प्राइम मिनिस्टर की कार भाई, मजाक थोड़ी ना प्राइम मिनिस्टर की कार चलाना भाई, बहुत सिक्योरिटी होगी वहाँ पे मुझे पहले ही लग रहा है यार। देखते हैं भाई, लेकिन अपनी गाड़ी भी कम नहीं है, कोई कम समझता हो भाई। 15 इंच मोटी स्टील है इसमें और टर्बो इंजन है 4,500 हॉर्स पावर का। ओ भाई साहब, बहुत पावरफुल है अपनी गाड़ी भी, कुछ नहीं हो सकता, बुलेट प्रूफ है पूरी, चाहे मिसाइल लॉन्च कर दो इस पे कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। पैसे लगा रखे हैं इसमें, बहुत खतरनाक बना रखी पूरी है, कुछ भी नहीं हो सकता इसका यार। अगर आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी ना तो उसको देखो, पता चल जाएगा कैसी कार है ये, देखना डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई साहब, बहुत है। लेकिन चलते हैं हम, देखते हैं क्या होता आगे हमारे साथ। भाई पहाड़ पर है भाई साहब, ऊंचा है वो, रहा दिख गया, लेफ्ट लेना है, सीधा ही जाना है भाई, सीधा ही जाना है भाई। ओ भाई साहब, और ऊपर कितना ऊपर है, ले जाएंगे, देखते हैं, चलो चलते रहते हैं। अपने को क्या करना है भाई साहब, अपने को तो गाड़ी चुरानी है, बस बस पहुंचने वाले हैं, बस पहुंच ही गए। ओ भाई देखा भाई, इतने बड़े बड़े टायर्स हैं इसके, आराम से फट जाती है, बस कौन है मरेगा ये। चलो बस पहुंच ही गए हम, डर लग रहा है मेरे को शुरू शुरू में। माइकल भाई डरियो मत तू बिल्कुल भी, मैं तेरे साथ हूँ भाई, और तेरे पास गाड़ी है यार इतनी महंगी, कुछ भी नहीं होने वाला तेरे को, एक्सट्रीमली बुलेट प्रूफ है ये बहुत भाई। ओ भाई पहुंच गए, बस यही है यही है यही है, मैं गाड़ी को थोड़ा पीछे पार्क कर लेता हूँ। भाई साहब पहुंच गए हम तो, देखता हूँ थोड़ा कैसे हाल है भाई इसके, क्या कुछ सिक्योरिटी ऐसा कुछ देखते हैं हम यहाँ पर जाके, मैं देख के आता हूँ। तो भाई सिक्योरिटी तो खतरनाक कर रखी है उन्होंने भाई, टैंक खड़े हैं वहाँ पे, अपनी गाड़ी है आज भाई, गाड़ी का तो पूरा टेस्ट हो जाएगा मुझे लग रहा है। एक काम करते हैं, पीछे से हम जाते हैं, स्नाइपिंग करेंगे पीछे से जाके। ओ भाई देखो, इनको पता चल गया मैं वहाँ पर गया था, इनको पता चल गया कोई आसपास है। भाई साहब डर लग रहा है मेरे को, बस हम ऊपर चढ़ा देते हैं, यहाँ से स्नाइपिंग करेंगे, देखते हैं। भाई हेलीकॉप्टर भी आ गया, ओ माय गॉड, इतनी भयंकर सिक्योरिटी, ओ माय गॉड, दिख रहा होगा आपको, देखो यहाँ से स्नाइपिंग करेंगे, और अगर फायरिंग हुई अपने ऊपर तो बैठ जाएंगे हम, तभी अपनी गाड़ी में बैठ जाएंगे तभी। ओ भाई देखो क्या कुछ सिक्योरिटी बना रखी है, ओ भाई साहब, ये खड़ी पुलिस, कुछ आम बंदे भी हैं, गाड़ी, ये स्नाइपर से ऊपर खड़ा है, किसको उड़ाता हूँ पहले। ओ भाई गया पहला तो गया, ओ भाई 3 स्टार हो गए मेरे, ओ तेरी भाई साहब, जल्दी जल्दी मारो। ओ भाई साहब पूरी पुलिस फोर्स लग गई है पीछे, दूसरे बंदे को क्यों मार रही है ये, पता नहीं क्या है वहाँ पर। ओ भाई साहब, ओ माय गॉड, ओ भाई हमें गाड़ी में बैठना पड़ेगा, गाड़ी में बैठना पड़ेगा, बहुत बंदे हैं यार, हमें बहुत बंदे हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, गाड़ी में बैठना पड़ेगा। अब जो भी है हमारी गाड़ी हमारे साथ है। ओ भाई हेलीकॉप्टर आ गया, हेलीकॉप्टर ने देख लिया हमें, जल्दी बैठो गाड़ी में, और ये बुलेट, अब हमें कुछ नहीं हो सकता भाई, अब बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ चुके हैं हम, इसके टायर्स भी काफ़ी ट्यूबलेस टायर्स हैं, काफ़ी खतरनाक, जो कि कभी पंचर होते ही नहीं भाई। भाई चलो हम सीधी घुसेड़ देते हैं, कुछ होगा देखा जाएगा, बुलेट प्रूफ है पूरी गाड़ी, ले भाई ले। ओ माय गॉड खतरनाक गाड़ी है यार, ये आज फिर से टेस्ट हो जाएगा गाड़ी का भाई, इसकी वेट बहुत है इसका, गाड़ी का धक्का देखो कैसा मारती है। ओ माय गॉड, आ जाओ पुलिस वालों, इसमें गोली घुस नहीं सकती भाई साहब, 15 इंच मोटा स्टील है, और भाई ग्लास भी जापान से आया है वो, इसका काफ़ी खतरनाक। ओ माय गॉड भाई साहब, धूम मचा दी इसने यहाँ पर, सारे पुलिस वालों को उड़ा दिया हूँ भाई, ये कुछ ज़्यादा ही वेट है भाई, इसको नहीं उड़ा सकती है। ओ माय गॉड, छोटी छोटी कार्स को तो उड़ा देगी, बहुत वेट, आराम से उड़ा देगी भाई साहब, ये कुछ नहीं इनके आगे, इसके आगे
पुलिस की गाड़ियाँ। ओ माय गॉड, देखो कितना ऊंचा उड़ा दिया। देखा भाई, ये गाड़ी ऐसी थोड़ी ना महंगी है, इतनी वेट है भाई बहुत इसमें। और भाई ये लो उड़ा दिया ये भाई लो। ये थोड़ा इसमें ज़्यादा वेट है भाई, तो पहले इसमें पता नहीं मिसाइल्स हैं क्या, कितनी भयंकर सिक्योरिटी कर रखी है। ओ भाई फंस गई गाड़ी। ओ भाई जल्दी निकल, गाड़ी फंस गई। हाँ निकल गई भाई साहब। ओ माय गॉड, ये देखो भाई इतनी तगड़ी सिक्योरिटी तो भाई मैंने कभी नहीं देखी। भाई कुछ भी कर लो, इस गाड़ी में बुलेट नहीं घुसने वाली, कुछ भी कर लो भाई साहब। इतनी बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं मैंने देखी, इसका टेस्ट भी नहीं किया यार, इतना मैंने बहन कर दो जितना ये कर रहे हैं। ओ माय गॉड, देखो भाई साहब। ओ ये लो भाई एक्सट्रीम गाड़ी है भाई, आज तो पूरा टेस्ट हो। वो खड़ी भाई प्राइम मिनिस्टर की कार, इसको चुराना है भाई जल्दी। कैसे करें क्या करें जल्दी भाई, अब ज़्यादा देर भी नहीं रुक सकती ये, क्या पता भाई बुलेट घुसने लगे इसमें, मोटा स्टील ख़राब हो जाए भाई, पता नहीं लगता कुछ भी भाई। उसके एक काम करते हैं, उस भाई पलट गई सीधी हो, एक काम करते हैं भाई, देखो इस गाड़ी को मैं उसके पास ले जाऊंगा और फिर इस गाड़ी से उतर के मुझे जल्दी उस गाड़ी में बैठना होगा। ठीक है भाई, अब कोई रास्ता नहीं है, बस यही रास्ता है अब तो सिंपल, वहाँ पे गाड़ी रोको और बैठो और भागो, बस यही रास्ता है। इससे कुछ हो ही नहीं सकता भाई, पुलिस तो आती रहेगी, ख़त्म ही नहीं होगी भाई पुलिस को। तो चलो हम यही करते हैं भाई, ये रोकी मैंने गाड़ी और ये मैं उतरा। और भाई बैठ जल्दी बैठ, ओ भाई जल्दी बैठ यार, बैठ गया भाई साहब, बैठ गया। ओ भाई साहब ये भी पावरफुल गाड़ी है भाई साहब। चलो भाई निकल तो गए यहाँ से कैसे भी करके, ये भी बुलेट प्रूफ है भाई साहब, लेकिन इलेक्ट्रिक है ये भाई साहब। ओ माय गॉड, हेलीकॉप्टर पीछे ही लगा हुआ है भाई साहब। भाई क्या है सर, प्राइम मिनिस्टर की कार में इसके पीछे लग गए भाई। प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना चुरा लिया तुम्हारा, हमने कार दे दो तुम्हारी, बस कार चाहिए थी हमें। ओ भाई साहब कितना देख लो भाई। ओ माय गॉड, ये भी हैवी कार है भाई, काफ़ी हैवी कार है ये, उतनी लग रही है मेरे को हैवी। आगे से राइट, जल्दी से भाई जल्दी। भाई ऐसा क्या है इस कार में ये तो बता दो, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर तो तुम्हारे पास ही है, ये तो सिर्फ कार है। प्राइम मिनिस्टर को देखो जाके कोई किडनैप ना कर ले यार, पीछे पड़े हुए छोड़ ही नहीं रहे हैं भाई, देखो इतना खतरनाक भाई। ओ माय गॉड, पहाड़ पे से कुदा दी, लेकिन यार मजबूत कार है ये भी, काफ़ी मजबूत है भाई साहब। भाई कैसे बचूंगा पुलिस से, कोई ब्रिज होना उसके नीचे जाके घुस जाता हूँ मैं, तभी बच सकता हूँ भाई। आगे से लेफ्ट लेते हैं। ओ भाई मुड़ने में भी काफ़ी दिक्कत कर रही है ये कार, लैमोजिन टाइप है भाई, बहुत ही ज़्यादा लंबी कार है, इस वजह से मुड़ने में दिक्कत हो रही है ये। ओ माय गॉड, देखो आगे पीछे सब जगह से पुलिस आ रही है भाई। कार क्या चुरा ली ये सोच रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर चुरा लिया भाई। देखो ये रहा ब्रिज ना आगे भाई, ये तो पानी वाला नदी में रहा था। ओ माय गॉड, देखो भाई कैसे घेर रहे हैं। ओ भाई पावरफुल कार है ये भी, क्या बताएं भाई पावरफुल कार है ये भी। ओ भाई ब्रिज के नीचे चलते हैं चुपचाप जल्दी, साइलेंट कार है तो ये बात सही लगी मेरे को, बस जल्दी भाई यहीं पे थोड़ी देर हम रुकते हैं और उसके बाद पुलिस देखते हैं। हाँ भाई तो पुलिस जा चुकी है, अब हम चलते हैं आगे। कार ने ये वाली कार ने कमाल कर दिया भाई, बिल्कुल साइलेंट कार है और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती और काफ़ी बुलेट प्रूफ है, बहुत ही भयंकर ये भी कार मुझे अच्छी लगी। तो चलो हम अपने घर चलते हैं, इसको हम फिर घर पे जाके देखेंगे क्या क्या इसमें फीचर्स हैं और क्या है इसमें। तो ये रहा हमारा घर और चलते हैं हम भाई, बिल्कुल साइलेंट चलती यार ये, बिल्कुल ही साइलेंट है कार, कुछ भी नॉइज़ नहीं करती, पता ही नहीं चलता कार चल रही है अब क्या चल रही है, साइकिल से जा रहे हैं क्या है। और भाई बुलेट प्रूफ भी है काफ़ी ये, बिल्कुल भी स्क्रैच भी नहीं आया अभी गाड़ी में, थोड़ा सा भी स्क्रैच नहीं आया है, इतनी मैंने पहाड़ों से कुदाया लेकिन स्क्रैच नहीं आया गाड़ी में, इतनी मजबूत गाड़ी बनाई हुई है प्राइम मिनिस्टर की। बस ये बैक का वाला एक मिरर टूट चुका है, शील्ड टूट चुकी है मिरर वाली, पता नहीं ये मजबूत क्यों नहीं बनाई उन्होंने, पता नहीं
तो हम देखें घर पर जाकर इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। और भाई मेरी SUV ने तो कमाल ही कर दिया भाई भाई, इतना हैवी ना ट्रक उड़ा दिया उसने पूरे पूरे, वो भी काफ़ी ख़तरनाक है भाई वो। लेकिन वहीं पर रह गई यार वो लानी पड़ेगी यार, वो देखते हैं हम कैसे लाएंगे। चलो हम पहले इसको घर पे पहुंचाते हैं, फिर देखेंगे हम उसको कैसे लाएं। वो वहीं पर छोड़ दिया यार मैंने, हालांकि लॉक हो जाती है ऑटोमेटिक, वो कोई नहीं खोल सकता फिर भाई, उसको कुछ भी गिरा दो ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है वो। यार मुझे पहले ही 2 बंदों को ले जाना चाहिए था, वो मेरी गाड़ी भी ले आ जाती और ये भी गाड़ी ले आता, मैं ड्राइवर को ले जाता हूँ यार। लेकिन यार ड्राइवर को उसमें से हिस्सा देना पड़ता 50-50, इस वजह से मैं नहीं लाया किसी को भी, अकेला ही। यार माइकल कार को क्वारंटाइन कर दिया होगा पूरी सील, लेकिन भाई वो ऑटोमेटिक लॉक भी हो जाती है, वो याद रखें वो कभी नहीं खुल सकती भाई। और लेकिन इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं भाई साहब, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना तो सच में यार लाइक कर देना, और भी ऐसी वीडियो देखने ना तो सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी यार, इस वजह से लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना एक बार यार, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर कर देना ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी अभी मनपसंद कंटेंट मिल सके यूट्यूब पर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।